समय से पहुंच जाता हूं जी जी, ये 2100 रुपया अब प्लस प्लस हो जाएगा और जोड़ देगा उसमें, और जोड़ देगा उसमें। तो मैं था इसमें ऊपरी कमाई नहीं है, इसमें सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। या तो तुम सब बचा लो या सब लुटा दो। जी जी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस वाले को सब मालूम पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगर आप सो गए होंगे ऑफिस से तुरंत हमको फोन आएगा जी जी, देखो भाई तुम गाड़ी सही नहीं चला रहे हो, आप कर रहे हैं ना, वीडियो बना रहे हैं ना, टोटल वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, अपने हिसाब से छुट्टी देता है, जैसे 6 महीना ड्यूटी कर दिया तो आप छुट्टी मांगेंगे तो 9 दिन या 15 दिन का छुट्टी मिलेगा जी जी जी। उसके बाद घर चले गए, अब सारे टाइम पे अगर आ गए जी। दोस्तों मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं रॉन ऑन व्हील्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले टाटा के सिग्ना, जो कि BS4 का गाड़ी शायद हमें लग रहा है। दोस्तों चलकर ड्राइवर भाई हमारे अंदर बैठे, ड्राइवर भाई से बात करेंगे। पहले थोड़ा आपको ट्रक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों टाटा का ये सिग्ना गाड़ी है, BS4 है शायद लगता है मुझे, और ये टाटा का देखिए दोस्तों यहाँ पर लोगो लगा हुआ है अच्छा सा, और यहाँ टाटा लिखा हुआ है, और आगे व्हाइट कलर का रेडियम जो कि परिवहन के नियम के पूरे हिसाब से भाई ने यहाँ पर लगा कर रखा है, और यहाँ पर एक गार्ड भाई ने बनाया है। तो कंपनी की तरफ से ये हेडलैम्प दिया हुआ है दोस्तों, दोनों तरफ हेडलैम्प लगा है, और साइड में इंडिकेटर लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये साइज आर का कुछ इंस्ट्रक्शन इसी लिखा हुआ है, सभी ड्राइवर इस नियम का पालन करें, आवश्यक सूचना दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। और ये भाई का इंडिया इज ग्रेट लिखा हुआ है दोस्तों। अभी ट्रेलर को आपको थोड़ा दिखा देते हैं साइड से। और ये दोस्तों गाड़ी का मॉडल नंबर है 3518.S, ये टाटा का सिग्ना गाड़ी है दोस्तों। और एक बड़ा सा फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक ट्रेलर ट्रक है दोस्तों, आगे सामने ये दो और ये चार, छः और पीछे दोस्तों आठ से चौदह चक्का का ये ट्रेलर ट्रक है। और कुछ सामान यहाँ पर लोड हुआ है, भाई ने लोड करके कहाँ से लाया है, कहाँ तक जाएंगे भाई से पूछेंगे, और भाई का लाइफस्टाइल क्या रहता है वो सब कुछ दोस्तों जानेंगे। थोड़ा आपको ट्रेलर दिखा देते हैं पीछे से। और ये देखिए दोस्तों ट्रेलर कुछ इस प्रकार का होता है, ट्रेलर में ये पीछे से वायर गया है, जो कि ये ब्रेक का जो सस्पेंस होता है इस पर ये वायर जो इसमें गया है, इसमें हवा जाता है, एयर जाता है, एयर सस्पेंस से ये ब्रेक काम करता है। और यहाँ पर ये इसका ये जॉइंट है दोस्तों, इसको अगर आप खोलना चाहेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो ट्रॉली है पीछे वाला हिस्सा, इसका जॉग है दोस्तों, दो जॉग लगा हुआ है इसमें, अगर इसको निकालना चाहेंगे तो ये निकल जाएगा आगे, और ये जो ट्रॉली है यहाँ पर रुक जाएगा, इसको मिट्टी में लगा के इसको निकाल कर आगे वाला हिस्सा ये निकल सकता है दोस्तों। यहाँ से इसका जॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। पीछे से आपको थोड़ा ट्रक दिखा देते दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भाई का टूल बॉक्स है, और कुछ माल इधर लोड हुआ है, भाई से बात करेंगे। और कुछ इंडिकेटर वगैरह भाई ने ये अच्छा खासा यहाँ पर लगा कर रखा है, लाइट वगैरह पूरा इंडिकेटर वहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। और ये भाई ने कुछ अच्छे से यहाँ पर अच्छे से इसको मॉडिफाई करके रखा हुआ है दोस्तों, और कुछ सामान इस पर लोड हुआ है, भाई से बात करेंगे क्या सामान है कहाँ जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं भाई का ये ट्रेलर है दोस्तों, पीछे से कुछ इस तरह से ये दिखता है। MRF का भाई ने टायर लगा कर रखा हुआ है, देख सकते हैं, और CEAT का भी टायर भाई लगा रखा है यहाँ पर। और पीछे से कुछ तरह इस तरह से दोस्तों ये ट्रक दिखता है, लॉन्ग व्हीकल यहाँ पर लिखा हुआ है, और साइजर एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कुछ कंपनी का ये माल है शायद लगता है दोस्तों। और भाई ने यहाँ पर कुछ रस्सी वगैरह बांध कर रखा हुआ है, भाई हमारे अंदर बैठे हुए हैं, भाई से चलकर बात करेंगे क्या माल लोड हुआ है इसमें और कहाँ तक जाएगा, कहाँ से आया है भाई से जानेंगे, और भाई का लाइफस्टाइल के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों अंदर जाकर हम बात करते हैं भाई से। दोस्तों यहाँ पर टाटा का सिग्ना का ये देखिए दोस्तों, 3 स्टेप से ये अंदर जाने के लिए पूरा यहाँ पर सीढ़ी बना कर रखा हुआ है, और इसका डोर जो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और इसको पकड़ के यहाँ पर चढ़ने के लिए वाला बना कर यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी ये पहले से दिया हुआ है। और ये सीट दोस्तों इसी तरह कंपनी से आया है, भाई ने कुछ मॉडिफाई यहाँ पर नहीं करा है, सीट पहले से ही ऐसा था आगे, और यहाँ पर दोनों तरफ सीट ऐसा ही रहता है दोस्तों, कंपनी की तरफ से ऐसा ही रहता है। बहुत सारे हमारे जो ड्राइवर भाई लोग होते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं, लेकिन भाई ने कुछ मॉडिफाई नहीं करवाया है, भाई से जानेंगे दोस्तों। अभी चलकर भाई से बात करते हैं, अंदर चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम आकर पहुंच चुके हैं भाई के केबिन के अंदर, और भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, भाई से जानेंगे उनका लाइफस्टाइल के बारे में, और साथ में ट्रक के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे भाई से। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई। भाई आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद जुम्मन अंसारी। मोहम्मद जुम्मन अंसारी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप यूपी के रहने वाले हैं। जैसे कि आप यूपी के रहने वाले, नागालैंड का ये गाड़ी है, आप नागालैंड का गाड़ी कहाँ से मतलब कैसे चला रहे हैं आप? ये मालिक ये बाहर का है, विदेश का मालिक है ये। विदेश का मालिक है, कहाँ के रहने वाले मालिक? मालिक तो उतना कंफर्म मालूम नहीं, लेकिन लमसम में मालूम पड़ता है कि इंग्लैंड साइड के है। ये कंपनी का हमने बहुत सारे गाड़ी देखे है, साइजर का, साइजर के गाड़ी लमसम 1200 से 1300 गाड़ी है। वाह वाह, इतना सारा गाड़ी है, 1200 से 1300 भारत में चलता है जी, विदेश में भी चलता होगा इसी कंपनी का गाड़ी? अब ये तो मालूम नहीं है हम जी, जी, जितना हम इस कंपनी में करीबन 2 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। दो साल से आप इस कंपनी से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कितना सालों का है?
एक्सपीरियंस है मेरा करीबन 9 से 10 साल। 9 से 10 साल आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आप इस 2 साल हो गए इसी कंपनी के अंडर गाड़ी चला रहे हैं आप। तो ये BS4 का गाड़ी है शायद, लगता है BS4 का गाड़ी है। तो आपने 2 साल से गाड़ी चला, आपको तनख्वाह कितना रहता है इस गाड़ी में इस कंपनी की तरफ से? इसमें सर पीएफ काट कर पीएफ भी मिलता है इसमें, बहुत बढ़िया बात है। वहाँ अच्छा काट के 11,800 कुछ रुपए ऐसे करके मिलता है। 11,800 मिलता है पीएफ, और ESI भी कटता है उसमें। ESI भी कटता है जी जी। उसके बाद इतना सैलरी जी अकाउंट में चला जाता है, अकाउंट में चला जाता है आपका। तो आपका जो ESI और पीएफ कटने के बाद आपका 11,000 कितना 800 मिलता है, उसमें खाना पीना आपका कैसे, क्या अलग से मिलता है या फिर? अलग से, जो मैं जहाँ भी माल जाऊँगा लोडिंग करने के लिए जी जी, चाहे माल लोड करके जाऊँगा जी, तो खर्चे में खुराकी जोड़ के मिल जाता है। अब वो हम लोग खा जाए या बचा ले जी, जो हम लोग ऊपर है, आप लोगों का ऊपर है कि आप अगर मतलब यहाँ से लोड किया। अभी आप कहाँ से लोड किया? अभी मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। ये चेन्नई से अभी माल आ रहा है आपका, जाएगा कहाँ आपका? ये जाएगा पटना। पटना जाएगा, ये किस चीज का माल है ये वाला? ये मिक्सर मशीन का माल है। मिक्सर मशीन जो जो हमारा कंक्रीट मशीन होता है, उसमें बिल्डिंग बनाने उनाने के जी जी काम में आता है वो जी जी। उसका आगे वाला मशीन का पार्ट्स दूसरे गाड़ी में पीछे आ रही है, पीछे आ रहा है उसका छोटा छोटा जो पार्ट्स है जी, वो मेरे गाड़ी में है जी। इसका छोटा छोटा हिस्सा आप लेके जा रहे हैं पटना जाएगा, वहाँ पर मतलब कि बनता है मशीन, नया बनता है? नहीं, चेन्नई में नया मशीन बना है, ये जाएगा वहाँ पे, इससे काम होगा। अच्छा, तो वहाँ बिल्डिंग बन रहा है कुछ कंपनी या फिर बन रहा हो जी, जी कॉलेज बन रहा हो जी जी, तो वहाँ को आपको जाएगा चेन्नई से। आप अभी उड़ीसा में आप आए हो, कितना दिन आपको लग गया यहाँ तक? ये तीसरा दिन आज है। आज आपका नहीं, कल दूसरा दिन है। दूसरा दिन है आपको, तो इसी दौरान आप 2 दिन हुआ सफर कर रहे चेन्नई से उड़ीसा तक, आपका खाना पीना क्या कुछ आपने कैसे उसको मैनेज किया? वो तो होटल में खाते हैं हम लोग। इसमें क्या है ना, चेन्नई से जो माल लोड किया हूँ मैं जी जी, जाऊँगा मैं पटना जाएंगे आप, तो उसमें मेरे कागज पे टाइम पड़ा हुआ है। ये टाइम पर आपको माल पहुंचाना होता है? हमको 13 तारीख को जी जी 12 बजे AM 12 बजे ये मतलब कि रात को जी पहुंचना है पटना में। अगर मैं पहुंच जाता हूं तो इसमें मेरा 2100 रुपया जाता है मेरे हिसाब में से, मेरे मतलब मेरे बैलेंस में से 2100 रुपया 2100 रुपया कट जाएगा जी जी। अगर मैं समय से पहुंच जाता हूं जी जी, ये 2100 रुपया अब प्लस हो जाएगा और जोड़ देगा उसमें तो हो जाएगा 4200 जी, 4200 रुपया हो जाएगा जी। इसमें बोनस मिल जाएगा, बोनस मिलता है आपको। अगर आप मान लीजिए इस तरह है कि आप टाइम पर अगर पहुंचते हैं, टाइम से पहले भी अगर पहुंचते हैं तो आपको बोनस मिलता है, 2100 का बोनस मिलता है। अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो और भी 2100 उसमें मिलता है, यानी कि टोटल 4200 रुपये आपको मिलता है। अगर आप डिले हो जाते हैं यानी कि आप लेट हो जाते हैं तो आपका 2100 रुपये वो कट जाएगा। इसी तरह का सिस्टम ये कंपनी बना कर रखा है हर ड्राइवर के लिए, हर ड्राइवर के लिए जी। और अगर 1-2 घंटा लेट हो जाता है जी जी, तो 4 घंटे भी कभी कभी लेट हो जाता जी है ट्रैफिक वर्फिक के लेकर जी जी, तो कंपनी एडजस्ट कर देता है जी जी। अब 12-14 घंटा लेट होगा तो माइनस हो जाएगा 2-4 घंटे के लिए कंपनी। बहुत ही बढ़िया चीज है ये वाला, ऐसे ही टाइम हर ड्राइवर को मिलना चाहिए। कोई कोई होता है कि टाइम पर पहुंच नहीं पाता तो माल वहाँ उनका लेता नहीं, जो हमारा फल सब्जी वगैरह लेकर जाते हैं उनको दिक्कत होता है, दिक्कत हो जाता है ना। तो आप 11-12 साल से ट्रक चला रहे हैं, सबसे पहले आपने कौन से ट्रक से स्टार्ट किए थे आप? मैं सबसे पहले छोटे वाले ट्रक से स्टार्ट किया। छोटे वाले मतलब टाटा का या किसी का? 12-13 उस समय टर्बो गाड़ी आई हुई थी जी जी, टर्बो, उसी समय से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कौन से कंपनी के कुछ याद है आपको? टाटा का टर्बो वाला था वो, टर्बो का। उस समय मैं कोलकाता में गाड़ी चला, फर्स्ट कोलकाता में आपने गाड़ी चलाया, उसके बाद वहाँ से छोड़ा गाड़ी, चला गया गुजरात, गुजरात वहाँ पे रेती का गाड़ी चलाया, बालू का करीबन 5 साल 5 साल चला। उसके क्या कुछ पेमेंट आपको मिलता था? उसमें भी पेमेंट ऐसा ही कुछ था, उसमें ऊपरी कमाई था, इसमें ऊपरी कमाई नहीं है, इसमें सब कुछ फिक्स है। या तो तुम सब बचा लो या सब लुटा दो जी, तो तुम्हारे ऊपर है। अगर टाइम में पहुंच गए तो अच्छा खासा आपका बोनस मिल जाता है, अगर लेट पे पहुंचते तो आपका बोनस आपका घाटा है। ये BS4 का गाड़ी है, इसमें आप गाड़ी के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे क्या क्या इसमें फीचर्स दिया हुआ है? मान लीजिए ये क्या है, एसी का टाइप हमें लग रहा है, एसी और कूलर दोनों का एसी में है। इसमें फिट करने से एसी चलता है? हाँ, तो कंपनी निकाल दिया है जी जी, क्योंकि बहुत ड्राइवर रत भर एसी चला के ही सो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए कंपनी तो दिया नहीं, बैटरी डाउन हो जाता है, गाड़ी वहीं का खड़ा हो जाता है, करने में तकलीफ होता है, इसीलिए कंपनी को फोन करना पड़ता है, सर
गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जी जी, कंपनी कहाँ कहाँ मिस्त्री भेजेगा? जी जी वैसी बात है। ऐसे तो इस कंपनी का हर जगह ऑफिस है, चेन्नई में भी ऑफिस है, विशाखापट्टनम में है, जी हर स्टेट में, हर स्टेट में इसका ऑफिस रहता है। ओडिशा में इसका कहाँ पर? शायद भुवनेश्वर या फिर कटक में, अंगुल में है। अनुगुल में है, अनुगुल तो उस लाइन पर हो गया, उस रूट पर हो गया, रूट से कट के जाना जी, ये पीछे मंगोली से कट के जाना पड़ेगा। लेकिन इसी जो है ना 16 के ऊपर इसी का ऑफिस नहीं है, इसके ऊपर अब चेन्नई की तरफ जाइएगा तो मिलेगा, चेन्नई में तरफ चले जाइएगा टाटा मिलेगा, जैसे कि टाटा से मिलेगा और चेन्नई में मिलेगा, एन एस 16 पर मिलेगा दो ऑफिस, इसमें नहीं मिलेगा मेन रोड पर। जी जी, जिस दर्ज कंपनी रहता है ना, जी जी, उसी हिसाब से ऑफिस बनता है। जी जी, तो हर गाड़ी ऑफिस को हमेशा 50 गाड़ी 100 गाड़ी इसको हर कंपनी में देना रहता है। जी, ये इसका जो साइजर का कंपनी का 1100 से 1200 गाड़ी आपने बताया, तो पूरा ऑल इंडिया में चलता है? ऑल इंडिया, मतलब उड़ीसा में कितना गाड़ी कुछ चलता है आप कुछ बता सकते हैं? उड़ीसा में कितना गाड़ी इसका चल रहा होगा? इसका कोई ठिकाने नहीं है अभी तो। आप इस रोड पे ना करीबन 10-20 मिनट में हमेशा एक गाड़ी आपको दिखने को। जी, उसी दिन साइजर का एक कंपनी का गाड़ी था, उसका स्टेपनी गिर गया था, गिरकर सीधा मतलब कि नॉट बोलो सही से कैसे नहीं थे जो ड्राइवर भाई होते हैं, तो उस चला गया पीछे जो चक्का होता है दोनों चक्का का बीच में चला गया था। उसका वीडियो भी हमने बनाया है, आपको अभी दिखा देंगे, अभी इंटरव्यू के बाद आपको दिखाएंगे। साइजर का कंपनी का था, वो टाटा जाने वाले थे, ट्रैक्टर उसमें लोड हुआ था शायद, ट्रैक्टर लोड हुआ था, लोड होता है वहाँ से ना बेंगलोर से। हाँ, उन्होंने भी चेन्नई से आए हुए थे, बोल रहे थे कि चेन्नई से आए हुए हैं, तो आपको दिखाएंगे वीडियो। लेकिन अगर आप बात करें तो इसका जो फीचर्स है, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए आपने क्या कुछ इसमें, आपने बोर्ड खुद से बनवाया है इसमें? इसमें अलग से अलग नहीं दिया हुआ, तो ये उसका काम नहीं कर रहा है, काम करता है वो मेरे पास नहीं है। जी जी जी, सामने कैमरा है इसका, रियर पीछे वाला कैमरा भी दिया हुआ है, पीछे आगे सब दिखाई देगा, पीछे से भी दिखाई देगा, आगे भी कैमरा लगा हुआ है। ये मैं अंदर में क्या कर रहा हूँ जी, कैमरा सब बताएगा, कैमरा सब बताएगा, जो ऑफिस में बैठे होंगे उनको बताएंगे, मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ ऑफिस वाले को सब मालूम पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगर आप सो गए होंगे ऑफिस से तुरंत हमको फोन आएगा। जी जी, देखो भाई तुम गाड़ी सही नहीं चला रहे हो, जी थोड़ा अपने आपको बरतो, जी नींद आ रहा है, जी चाहे जैसा भी हो प्रॉब्लम, वो कंपनी तुरंत फोन करके हमें बताएगा क्या करेगा। बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है, मतलब ये सेंसर से चलता है, सेंसर इसमें लगा हुआ है, कैमरा जो है सेंसर से चलता है। अगर आप सो गए हैं या फिर आप रॉफ गाड़ी चलाते हैं, आपका गाड़ी कहाँ पर खड़ा है सब कुछ बताता है। आप आपको देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से कमरे से, मतलब कि ऑफिस में जो बैठे हुए हैं इस कैमरा से आपको देख सकते हो। जी हाँ, पूरा वीडियो भी उनका पास जाता है, ये आप कर रहे हैं ना वीडियो बना रहे हैं जी, टोटल वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये वाला जो कैमरा और वो क्या है, वो भी पीछे का कैमरा शायद है, ये पीछे का, मैं जब बैक गियर पीछे गाड़ी बैक करूंगा जी जी, तो इसमें दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा पीछे का पोजीशन आपको दिखाई देगा, पीछे में कोई गाड़ी है कि नहीं है, जी जी, कोई बच्चा नहीं है, चाहे कोई आदमी है। जी जी, इसमें ये पूरा तरह से जो टाटा कंपनी ने दिया था या फिर आपका जो साइजर कंपनी ने इसको लगवाया जो कैमरा, टाटा कंपनी है सब नहीं, ये जो पीछे वाला कैमरा ये तो आपका कंपनी ने लगवाया है साइजर का, ये तो टाटा ही कंपनी देता है, टाटा ही देता है, कंपनी दिया है। जी जी, और ये जो आपने लाइट वगैरह लगाया रात के लिए, नहीं रात के लिए देखने के लिए, ये आपने खुद से लगाया शायद, ये कंपनी, ये कंपनी, तो इसमें आप हम देख सकते हैं आपका सोना शायद यहीं पर आपका होता होगा रात में, सोना बैठना सब इसी पे रहता है। और ये क्या चीज आपने बनाया, स्लीपर है ऊपर खलासी हो जाता है। जी जी, हम लोग सो जाते हैं इसका, इस गाड़ी में आपका खलासी तो नजर नहीं आ रहा है। खलासी नहीं है, अभी इसी महीने घर से आया हूँ ना, जी अभी फिलहाल पकड़ा हूँ, खलासी भी नहीं रखा हूँ। जी जी जी, तो खलासी इसमें देते हैं कंपनी की तरफ से? नहीं अपने ऊपर है, आप रखते हैं या फिर कंपनी नहीं देता है? नहीं कंपनी, तो उनको कितना रखना पड़ता है आपको? रखना पड़ता है, मतलब कंपनी पैसा कंपनी देगा। अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब अपना भरोसे के आदमी ला के रखना। अच्छा यही बात है, तो बढ़िया बात है, हर आदमी को नहीं रख सकते ना। जी जी जी, हर आदमी को नहीं रखते, धोखा दे देते हैं। हाँ, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई चोर चक्का भी होता रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, फंस चुके हैं ना। जी जी, ऐसा भी होता रहता है, अपना भरोसा का आदमी होता है तो कोई जान पहचान वाला हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, तो आप उनको लाकर रख सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर इसको कुछ मॉडिफाई वगैरह नहीं किया है, जैसे कि टाटा कंपनी का 33 आया था उसी तरह ही इसको रखा हुआ है। हाँ, टोटल वैसा ही है, ऐसा ही रहता है पूरा गाड़ी, जितना भी इस कंपनी का अंडर है ऐसा ही रहता है, सब ऐसा ही रहता है। सीट जैसे कि वहाँ पर आपका बैठने के लिए और यहाँ पर बैठने के लिए पीछे ये वाला हिस्सा ऐसा ही रहता है, जैसे कि कंपनी देता है ऐसा ही रहता है, सब कुछ वैसा है। तो स्टेयरिंग पर आपका वो जो गोल वाला कुछ दिख रहा है वो क्या है? ये कोई ड्राइवर लगा दिया ताकि थोड़ा आराम लगे, कमर में दर्द होता जी है, थोड़ा इसको पकड़ के आदमी हिला लेता है इसे। अच्छा, उससे क्या होता है? इसे थोड़ा आराम मिल जाता है, आराम मिलता है। कार में भी देखें कभी कभी, कार में ज्यादातर ऐसा ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है इसी तरह का, अच्छा रहता है इसमें।
तो आपका जो जैसे कि आप कितना घंटा बैठ कर एक साथ गाड़ी चला लेते हैं भाई? अभी सुबह 3 बजे से चला हूँ। सुबह 3 बजे से अभी आप चले तो यहीं पर रुके आके? नहीं, बीच में रुका था खुर्दा में तेल लेने। खुर्दा में रुके थे आप तेल डालने के लिए? तेल वहाँ पे लिए, वहाँ पे एक घंटा आराम किया, फिर वहाँ से चले हैं, तब यहीं रुके हैं। यहीं रुके आप? तो आप कितना मतलब कि जो आपका फ्यूल टैंक है डीजल का टैंक इस गाड़ी में दिया, कितना लीटर का इसमें मतलब कैपेसिटी रहता है? कैपेसिटी 400 को होता है, लेकिन 380 इसका मान्य होता है। जी जी, 400 रहता है। तो कितना एवरेज निकाल कर दे देता है कंपनी का जो ये गाड़ी? कंपनी अपने को 292 का 292 एवरेज रहता है। तो आपका ये जो कंपनी है सारे तरह इसी टाटा कंपनी, इस जो साइजर का जो कंपनी है इसमें जितना भी गाड़ी है किस किस कंपनी का गाड़ी ज़्यादातर आप इसमें है? इसमें ज़्यादा टाटा का ही गाड़ी है। ज़्यादा टाटा का ही गाड़ी है और अशोक लेलैंड भी है, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम है, ज़्यादा टाटा ही का है। टाटा मजबूत रहता है ज़्यादातर, एवरेज भी अच्छा देता है या फिर अशोक लेलैंड रहता है टाटा का? अशोक लेलैंड ज़्यादा अच्छा नहीं देता क्या एवरेज? नहीं, वो भी अच्छी गाड़ी है, उसका टान अलग है। जी जी, इसका टान अलग है, वो भी रफ गाड़ी है, भी रफ गाड़ी है। जी जी, वो अपने अपने चलाने का जी ये होता है। इसमें हमने सुना है कि इसमें जो चढ़ाई के लिए जो जैसे कि कोई घाटी एरिया हो गया तो कुछ बटन जी, ये जो बटन है ये नॉर्मल बटन है, नॉर्मल प्लेन रोड पे चलने रोड के लिए चलने के लिए। अब जैसे कि पहाड़ी वहाड़ी चढ़ना है हमको जी, तो ये लाल बटन को हमको इस्तेमाल करना होगा। यहाँ लाल बत्ती दबाऊंगा तो लाल बत्ती जलने लगेगा, लाल बत्ती जलने लगेगा। तो उससे क्या होता है? इसका गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। पिकअप बढ़ जाता है, मतलब डबल इंजन का जैसा पिकअप बढ़ जाता है। अच्छा, डबल इंजन बन जाता, टर्बो बन जाता है एक तरह का। तो ये कैसा भी चढ़ाई रहेगा इस पे चढ़ना ही है, इसको आराम से चढ़ जाएगा, आराम से चढ़ जाएगी। जितना चढ़ाई होगा तो एक नंबर गियर डाल दो जी, आराम से हल्का एक्सीलेटर लेकर पूरी पहाड़ी चढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस पे नहीं चढ़ेगा, इस पे नहीं चढ़ेगा, इस पे नॉर्मल रोड पर चलने के लिए, इसको प्लेन रोड के लिए चलना। इसमें गियर कितना दिया हुआ है? इसमें एक गियर दिया है, एक तो पीछे जी जी, इसमें 7 गियर दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं भाई का ये केबिन, दोस्तों जैसे कंपनी टाटा कंपनी ने यहाँ पर दिया था सेम उसी तरह है। इसमें कोई भी मॉडिफाई करके नहीं रखा है भाई ने, और एक कैमरा यहाँ पर लगा रखा है कंपनी जो साइजर का है, तो ये सेंसर से चलता है और पूरा मतलब कि हरकत देखते रहते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, भाई हमारे जो क्या कर रहे हैं, ड्राइवर जो होते हैं इन गाड़ी में क्या करते हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ खाना पीना, उनका सब कुछ इसी कैमरे से रिकॉर्ड होता है, उनका ऑफिस को ये मैसेज जाता रहता है। देख सकते हैं भाई का केबिन दोस्तों, फिर आप देख लीजिए भाई इसी केबिन पर दोस्तों रहते हैं, और देख सकते हैं आप केबिन दोस्तों थोड़ा भाई का देख लीजिए। भाई ने यहाँ पर कुछ अच्छे से यहाँ पर मॉडिफाई करके एक लाइट यहाँ पर लगा रखा है, जो कंपनी की तरफ से ये लाइट दिया था, इससे क्या धूप जो सन प्रोटेक्शन के लिए वाला दिया हुआ है, जब धूप लगता है तो इसको नीचे करना पड़ता है। तो आप साल में कितने बार आपको छुट्टी मिल जाता है या फिर कुछ इसी तरह का प्रोसेस? तो अपने ऊपर है, आप छुट्टी ले सकते हैं कभी भी? छुट्टी कभी भी नहीं, कंपनी अपने हिसाब से छुट्टी देता है। जैसे 6 महीने ड्यूटी कर दिया तो आप छुट्टी मांगेंगे तो 9 दिन या 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। जी जी जी, उसके बाद घर चले गए, आप सब टाइम पे अगर आ गए जी तो आपका तुरंत आपको गाड़ी मिल जाएगी और सैलरी भी चालू रहेगी। जी जी, अगर एक दिन भी लेट हो गए तो आपका सैलरी कट जाएगा। तो आपको छुट्टी पहले से बोलना पड़ता है कि हम इसी दिन छुट्टी लेंगे, छुट्टी लेना है, इतना दिन का छुट्टी हमें चाहिए। जी, हमको अप्लीकेशन डालना पड़ता है, अप्लीकेशन डालना पड़ता है, ऐसा सिस्टम है इसका। मतलब कि एक तरह का पूरा कंपनी जैसे प्रोसेस करता है कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी बड़े बड़े कंपनी जो गोडाउन बनाकर काम करते हैं उसी तरह की इसी का प्रोसेस रहता है इस कंपनी का। तो अभी ईद आ रहा है, आपने क्या कुछ घर जाने का कुछ सोचा है या फिर? ईद तो आ गया है, ईद और तो 10-12 दिन शायद है। अब सोचा था कि नथ का लोड करूंगा माल। जी जी, इधर से जाने में अपने आसन दास से बात करूंगा कि हमको एक दिन के लिए ईद के लिए घर जाने दीजिए। जी जी, अगर ज्यादा समय बच जाएगा तो बच्चों के लिए मार्केटिंग करके वापस चला जाऊंगा। जी जी, फिर रास्ते में अपना ईद हो जाएगा, मेन तो बच्चों लोग का ईद है। जी जी, बच्चे लोग का उसी ने उन्हीं के लिए तो कमाने आया। जी, आप तो घर अपना परिवार चलाने के लिए गाड़ी चलाना पड़ता है, आप यूपी के रहने वाले, यहाँ से पूरा ऑल इंडिया घूमते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो भाई आपने 10-12 साल से गाड़ी चला रहे, 10-12 साल में आपने पूरा इंडिया में कहाँ कहाँ आपने गाड़ी में सफर कर लिया आपने? मान के चलिए तो साधने कोई जगह बचा होगा, पूरा ऑल इंडिया आपने साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ गोवा मुंबई जी गुजरात महाराष्ट्र जी, और इधर जो हमारा हो गया वेस्ट बंगाल आसाम इधर भी चले गए, सिलीगुड़ी भी गया, सब झारखंड हो गया। वो आपका जा रहा है साइजर का ट्रैक्टर लेके जा रहा है, देखिए
इसी तरह गाड़ी बहुत जाता रहता है इसी रूट पर। साई घर का हमेशा साई घर गाड़ी मिलेगी आपको जी जी 15-20 मिनट में। अब शाम हो गया ना जी, अब 10 मिनट 5 मिनट में हमेशा आपको गाड़ी मिलेगी। तो ये तो कंपनी के अंडर में गाड़ी चलता है, ये अगर रास्ते में जाता है तो कोई आरटीओ वगैरह कुछ परेशान करते हैं या फिर ऐसे ही जाने देते हैं? तो हम लोग का कंपनी हमेशा बना हुआ रहता है, जहाँ एंट्री है तो एंट्री देना पड़ता है जी, नहीं तो कंपनी के हिसाब से केस कराना पड़ता है जी। तो अगर साइड माल निकला हुआ तो केस होगा तो 20,000 का सीधा केस होता है जी जी। उसमें क्या कि डायरेक्ट ये केस होगा तो डायरेक्ट सरकार के तो खाते में जाता है जी जी। तो जब सरकार के खाते में जाएगा तो उसमें से हम लोग को ही फायदा होगा जी जी। अगर उसको एंट्री हम लोग दे देते हैं 100-200-500 रुपया तो वो सरकार के पास नहीं पहुँच पाता जी जी जी। इस वजह से कि अब उससे एंट्री ना देकर आप डायरेक्ट केस कर दीजिए, केस करेंगे तो कंपनी को भी फायदा होगा जी और दोनों कंपनियों को फायदा होगा, जहाँ जो जिसका माल लोड किया है कंपनी उसको भी फायदा होगा जी, और जिसने लोड किया उसको भी फायदा है, कोई फायदा है, और सरकार को भी फायदा होगा जी जी। जब सरकार को फायदा होगा तो पब्लिक को भी फायदा होगा जी। नहीं ऐसा होता है कि आप अगर सफर में जो रास्ते में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आरटीओ वाले होते हैं कि खड़ा कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, बोलते रहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अगर सही भी रहता है तो बोलते हैं सही नहीं है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है या फिर आपने चप्पल पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे कभी आपके साथ हुआ है? हरिद्वार में हुआ था। किस बात से आपको, मतलब कि ड्राइविंग कर रहा था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था, इसी कंपनी का फिर दूसरा यही कंपनी का मैं सीट बेल्ट लगाया हुआ था, सिर्फ वर्दी नहीं पहना हुआ था जी, और जी जूता नहीं पहना हुआ था जी जी। और पुलिस वाले ने हमें रोक दिया जी कि भाई गाड़ी रोको जी जी। मैंने गाड़ी बोला फाइल दो, सर क्यों फाइल क्यों, और दो तो पहले फाइल जी जी। मैंने फाइल दे दिया, उसके बाद बोले कि केस करना होगा। सर किस बात के लिए केस, तो तुम गाड़ी वर्दी नहीं पहने हो, तो हेलमेट नहीं लगाए हो, तो जूता नहीं पहना हो, सर इतना गर्मी पड़ रहा है वर्दी कौन पहन के चलाएगा। और रहा सवाल जूते का, तो जूता भी चमड़े का जूता होता है, पूरा पैर ठीक जाता है, वो तो गर्म में सीज जाएगा ना पूरा, तो कुछ नहीं केस करना होगा। तो फिर ले देकर 500 रुपया देकर कैसा हूँ वहाँ से निकल गया। अच्छा अच्छा ऐसा होता है। तो भाई आपका सीट बेल्ट आपका हमेशा पहन कर गाड़ी ड्राइव करते हैं या फिर? ये सीट बेल्ट से क्या होता है ना कि अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए जी, तो ये स्टेयरिंग जो है जी आपका इसमें सीने में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आपको सेफ रखेगा। मतलब आपका जो सर से लेकर ये जो छाती तक पोजीशन रहता है वो आगे को झुकने नहीं देता है, नहीं देगा। ये क्या होता है कि ये कमजोर होता है, ये कमजोर होता है, झटका से लगेगा इसमें तो ये टूट के अंदर ढुक जाएगा। अच्छा अच्छा अंदर ढुक जाएगा, मतलब कि बहुत इंजरी आ सकता है, खतरनाक इंजरी आ सकता है। ये देखने में बहुत नॉर्मल है लेकिन है बहुत खतरनाक, हाथ बहुत खतरनाक चीज है, टूट कर मतलब कि पूरा सीना फाड़ के अंदर चला जा सकता है, इसलिए सीट बेल्ट हमेशा ड्राइव कर जब भी करे तो सीट बेल्ट पहन कर ड्राइव किया करे। तो और एक बात आपसे जानेंगे फाइनल बात भाई आपसे, आपका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इसी लाइन पर, अगर मान लीजिए कोई नया नया ड्राइविंग लाइन पर सीखना चाहता है कि आ गया ड्राइविंग लाइन नया नया सीख रहा है या फिर आ गया 1-2 साल से चला रहा है, उनको आप क्या मैसेज आपके तरफ से देना चाहेंगे, कुछ संदेश अगर आप लोग आप उनको देना चाहें तो? भाई कहने का मतलब है आप अगर नया नया ड्राइवर अभी सीखा हुआ है जी, साल दो साल का हो, उसके फ्रेंड्स है जी, तो नॉर्मल से बात है कि उसे सब कुछ की जानकारी होना चाहिए जी जी। जैसे कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ जी, रास्ते में मैं चल रहा हूँ जी जी, अचानक गाड़ी बंद हो गई जी, चाहे टेम्परेचर हाई हो गया जी, चाहे डीजल प्रॉब्लम के वजह से गाड़ी बंद हो गई अब उसके लिए क्या किया जाए जी, या मैकेनिक बुलाया जाए जंगल में, या मैं खुद के दम से बना के मैं जा सकता हूँ, तो उसके लिए उतना हुनर होना चाहिए जी। अगर साल भर में कोई ड्राइवरी 6 महीने में कोई ड्राइवरी सीख जाता है तो जाहिर सी बात है अच्छी बात है, सीख जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सब चीज थोड़ा बहुत गाड़ी का काम आना चाहिए, गाड़ी का काम भी आना चाहिए जी। अभी तो BS6 से गाड़ी आ गया उसमें तो ड्राइवर कोई काम नहीं कर सकता, जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो एक वायर खाली फॉल्ट हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये BS4 में भी ऐसा होता है? हाँ, इसमें मैकेनिक बुलाना पड़ता है। इसे यहाँ पे पंप के पास में एक वायर दिया हुआ है जी जी, उसका वायर खाली हल्का ढीला हो जाएगा जी, तो गाड़ी सेल्फ मारिएगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन घर घर करके स्टार्ट होगी बंद हो जाएगी। अरे नया ड्राइवर उस समझेगा कि तेल खत्म हो गया, जब तेल ना पिएगा ड्राइवर तेल सही तेल सही है फिर भी नहीं स्टार्ट हो रही है तो क्यों नहीं स्टार्ट है, ताकि तुमको नॉलेज ही नहीं उस चीज का जी जी जी, कि आखिर ये फॉल्ट कहाँ से है जी जी। तो तुम्हें जाकर
पंप के पास देखना चाहिए कहीं वायर वायर तो ढीला नहीं है। जी जी। नहीं तो अगर तेल रहता है टंकी में तेल है तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तो पंप के जहाँ अगर थोड़ा हिलाओ उसे देखो चाहे कोई वायर वहाँ से गिर नहीं गया पंप के पास से, उसे लगाइएगा तो वापस गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जब हाई होता है तो मीटर खुद लाल बत्ती भरना लाल बत्ती देखा देता है वो वाला, तो उसको गाड़ी को तुरंत खड़ी करनी चाहिए और गाड़ी को बंद नहीं करनी चाहिए। गाड़ी को रनिंग अवस्था में रहना चाहिए कि जब तक गाड़ी ठंडी ना हो जाए अपने से। जी जी। तो 15-20 मिनट तक उसको रनिंग अवस्था में रहने दो गाड़ी को, धीरे धीरे वो ठंड हो जाएगी, उसके बाद फिर गाड़ी को लेकर अब जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दिया कि जो लोग नए ड्राइवर पर मतलब नए नए ड्राइवर बन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है दोस्त भाई ने आपने दिया भाई ने। तो दोस्तों ये था भाई हमारे साथ जो यूपी के रहने वाले थे। दोस्तों भाई से आपने सुना भाई का लाइफस्टाइल कैसा रहता है, भाई का सफ़र के दौरान क्या कुछ उनका लाइफस्टाइल रहता है, और भाई ने बहुत ही बड़ा लास्ट में एक मैसेज दिया जो कि नए नए इस ड्राइविंग लाइन पर आ गए हैं या फिर नए नए आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज था दोस्तों। और भाई से दोस्तों आप लोगों ने बात की, भाई से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों भाई का बात आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। भाई आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।